Hey guys, welcome back to another vlog. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. और मैं हूँ लखनऊ कानपुर हाईवे पे और ये है हमारी और आपकी धन्नो. और आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी से सबसे लंबे टूर पे. दैट इज़ मैं लखनऊ से निकल रहा हूँ मध्य प्रदेश. तो बने रहिए व्लॉग में, आपको सब देखने को मिलेगा. कहाँ एग्जैक्टली जा रहा हूँ, क्या क्या करेंगे, वो सब आपको देखने को मिलेगा. अभी बंथरा क्रॉस कर चुका हूँ और यहाँ पे लाइक बस व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैं रुका था क्योंकि मैं वहाँ पे घर से करना भूल गया था. तो पहला हॉल्ट लेंगे हम कानपुर. और अभी टाइम हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है. टाइम कितना हो रहा है अभी गाइस? टाइम हो रहा है 1:40. देखते हैं यहाँ से कानपुर कितनी देर में पहुँचते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं. तो हमारा पहला हॉल्ट है दैट इज़ कानपुर. हम पहुँच चुके हैं कानपुर और कितने बजे, 1:34 पे निकले थे और टाइम हो रहा है अभी 1:34 पे हम लोग वहाँ से निकले थे. 2:23 हो रहा है, कानपुर पहुंच चुके हैं. पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कानपुर में आपका स्वागत है. आप यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे, लाइक ड्रिंक्स एंड ऑल, कुछ रिफ्रेशमेंट कर लेंगे. उसके बाद फिर यहाँ से भी आगे निकलेंगे और वहाँ क्या क्या है, कहाँ रुकेंगे, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा. फ़िलहाल झांसी यहाँ से 225 किलोमीटर है और हमको झांसी से 30 किलोमीटर के आसपास और आगे जाना है, 30-40 किलोमीटर. तो बने रहिए हमारे साथ. तो गाइस हम यहाँ पे रुके हुए हैं कानपुर में रामा देवी चौराहे पे, जो बहुत फेमस है. और भूख आ गई थी, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो एप्पल खा लेते हैं. और पीछे गोलगप्पे भी हम लोगों ने उड़ाए 20-20 रुपए के, मज़ा आ गई. पानी काफ़ी बढ़िया था. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 10 मिनट में. टाइम हो रहा है अभी बेटा, कितना टाइम हुआ है, 3:59 बज चुका है. अब यहाँ से हम लोग 10 मिनट बाद निकलेंगे और अब नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं, झांसी रुकेंगे या झांसी से पहले बीच में कहीं रुकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लंच तो नहीं किया है गाइस. ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया था. सुबह ब्रेकफास्ट के नाम पे मैंने मैंगो शेक पिया था, उसके बाद अभी थोड़े से गोलगप्पे खाए और ये एक एप्पल. तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं खाया और बहुत ज़्यादा खाने का भी मन नहीं था क्योंकि ड्राइव करनी है मेरे को बहुत लंबा, तो नींद ही आने लगेगी. इस वजह से मैंने प्रेफर भी नहीं किया बहुत सारा खाना. तो अब यहाँ से 10 मिनट्स बाद निकलते हैं, देखते हैं लंच के लिए कहाँ रुकते हैं. लंच का टाइम हम लोग का लगता है कि 4:30 के आसपास हो जाएगा, बिकॉज 3 ऑलरेडी बज चुका है. 10 मिनट बाद निकलेंगे तो अब 1.5-2 घंटे बाद ही रुकेंगे. लेट्स सी कहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे भी मन करेगा रोक देंगे. अपनी गाड़ी का यही मज़ा रहता है. क्यों मंकू, क्यों मानना? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस. सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग भूल जाते हो. जल्दी से अभी जो रेड वाला बटन है इसको प्रेस करो, घंटा वंटा सब बजा दो यार. देखो घंटा बजाना, तुम लोग भी बजा दो. तो गाइस हम यहाँ पे रुके हैं HP के पेट्रोल पंप पे और टंकी फुल करा रहे हैं, जिससे कि अब हम सीधे जाके अपने डेस्टिनेशन पे रुके और फ्यूल हमको बार बार ना लेना पड़े. थोड़ा सुसु एंड ऑल भी करनी है तो सोचे हैं यहीं पे पेट्रोल पंप पे जाके सुसु कर ले. एक 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ओरई. और अब यहाँ पे ये पीछे आप देख सकते हैं टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, हालांकि मैं टी नहीं पीता हूँ, आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल नो. और मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा. तो यहाँ पे रुके हुए हैं 10 मिनट के आसपास का हॉल्ट लेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे. मौसम बहुत अच्छा हो रखा है. आई होप मध्य प्रदेश में और अच्छा मौसम हो और मज़ा आए हम लोगों को.
तो बने रहिए, और भी आपको चीज़ें तो देखने को मिलने वाली है। चाय एंड पकौड़ी ब्रेक गाइस। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं ओरछा, और यहां पे बहुत ही प्रसिद्ध राजा राम सरकार मंदिर है, जो कि जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको और क्लोज़अप लुक दिखाऊंगा। और अभी बज रहे हैं 8, तो आरती का समय भी हो चुका है, मतलब 8 बजे ही आरती होती है। और मतलब बहुत लकीली मैं पहुंच गया हूं इस टाइम पे। पीछे है कोई किला विला टाइप का बना है, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ का एनवायरनमेंट और एनर्जी, जो पॉजिटिव वाली एनर्जी फील हो रही है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये सारी शॉप्स हैं। ये है जो मेन मंदिर है सामने, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही शूट कर पाऊंगा और आपको बाहर से ही दिखा पाऊंगा। तो गाइस, ये देखिए, ये है मंदिर, और यहाँ पे सब आप प्रसाद नॉल ले सकते हैं। तो इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो राम जी हैं, उनको राजा की तरह पूजा जाता है, वो यहाँ के राजा हैं। और ये है राजा राम सरकार जी का मेन मंदिर, ये मेरे हाथों के सामने आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप, अब मैं यहाँ से निकलूँगा, और अब कल हम यहाँ से, एक्चुअली मैं यहाँ से जाऊँगा झांसी। वहाँ पे हम लोग का स्टे है, मतलब लाइक होटल एंड ऑल बुक कर लेंगे। ऑनलाइन तो बुकिंग नहीं कर पाए, बट अब जाके बुक करेंगे और झांसी में स्टे करेंगे। कल सुबह निकलेंगे श्री पीतांबरा पीठ के लिए, और उसकी भी बहुत मान्यता है, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो जान जाएंगे, और जिन लोगों को पता है तो आप बताइए क्या जानते हैं। तो चलिए, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का ब्लॉग, नई जो प्लेस में जाएंगे, पीतांबरा पीठ, वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर बहुत सारा करें, और जय श्री राम।